हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस की पहचान देखिए क्या होती है। तो सेंटेंस के अंत में या फिर मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय के साथ से का प्रयोग हुआ हो, तो हम लोग उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, से के लिए सिंस अथवा फार का प्रयोग करेंगे। तो अब सिंस और फार कब कब प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख सकते हैं, मैंने उसमें विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। और मैं यहाँ पर हल्के में बता देता हूँ कि निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल में भी बता दूंगा कि कौन सा मतलब निश्चित समय और कौन सा अनिश्चित समय, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। तो इसमें देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल अथवा शैल लगाएंगे जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो और ये भी शैल किसके साथ प्रयोग होगा, आई और वी के साथ केवल, और बाकी सभी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप नहीं इसमें छोड़ेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जरूर लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस अथवा फार टाइम के अनुसार, जो जैसा टाइम होगा उसके अनुसार हम लोग सिंस अथवा फार का प्रयोग करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है और मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा, आप लोग इसी प्रकार आप भी बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। राजन सुबह से खेल रहा होगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो राजन, तो राजन की स्पेलिंग लिखेंगे राजन। अब देखिए, आई और वी के साथ बस सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। तो राजन विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, खेल रहा होगा तो प्लेइंग हो जाएगा, प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, और ing हो जाएगा वर्ब प्लस ing हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब से सुबह से, अब देखिए यहाँ पे निश्चित समय है, हम लोग इसे निश्चित समय मानते हैं, सुबह से, रात से, दिन से, या फिर दोपहर से, या फिर कोई निश्चित टाइम दे दें जैसे 2 बजे से, तो इसे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेज में। तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम लोग बना देंगे। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अधिक से अधिक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैंने प्रैक्टिस सेट जो दिया, आप लोग उसे जरूर ट्राई करें। तो अब मैं एक और इसी में आपको निगेटिव का बता देता हूँ। निगेटिव का जो रूल है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं होता, बस शैल अथवा विल के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ एक बार कहीं, हाँ यहीं पे लगेगा, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव बीन। तो मुझे लगता है आप लोग को इसे एक एग्जांपल थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल को ही देख लेते हैं। राजन, चलिए इसमें हम लोग एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम देख लेते हैं, 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ देखिए सेंटेंस, तो राजन सबसे पहले सब्जेक्ट, राजन विल नॉट, नहीं आया तो नॉट, सेंटेंस के अनुसार नॉट हैव बीन, उसके बाद प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे 2 घंटे से, ये क्या बता रहा है, ड्यूरेशन आपको बता रहा है, या अनिश्चित टाइम इसे हम लोग मानते हैं। तो ये 2 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है, ये कब से ये 2 घंटे से चल रहा है, इसे कुछ निश्चित टाइम नहीं, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पर हम लोग फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 आवर्स, इस प्रकार हम लोग इसे बनाएंगे। मुझे लग रहा है आप लोग को वीडियो समझ में आ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक निगेटिव का बता देता, अरे इंट्रोगेटिव का बता देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, इंट्रोगेटिव रूल,
तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर विल अथवा शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आए तो नॉट और छोड़ देंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अथवा फॉर। ये आप लोग को लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसे इस प्रकार बनाएंगे। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। मोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसकी स्पेलिंग मीनिंग लिखेंगे, तो बन जाएगा वेयर, और हम लोग इसके आंसर विल, क्योंकि आई और वी के साथ लगाएंगे तो मोहन है, तो विल वेयर विल मोहन, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसमें अब इसके बाद हैव बीन, फिर घूम रहा है, वॉकिंग, वॉक फर्स्ट फॉर्म होता है आई एन जी, फॉर क्योंकि अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। एक यस नो टाइप का अगर जो रहे तो आप लोग उसे कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जांपल थ्रू से भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में हर टाइप के दिए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे जरूर पूछे। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड टाइप आए इसमें यस नो टाइप, तो आप लोग इसे कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। जैसे क्या तुम 2 दिन, क्या तुम 2 दिन से खेल रहे होगे। ये देखिए इसमें आप केवल हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, तो तुम आया है, आई और वी नहीं है, तो हम लोग विल का ही प्रयोग करेंगे, विल यू हैव बीन खेल रहे होगे प्लेइंग 2 दिन से। ये देखिए तो फॉर अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो धन्यवाद।